हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। गूगल क्रोम का लोगो किस प्रकार से बनाया जाता है ये हम आज आपको बनाकर बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम टूल बॉक्स में जाके यहाँ से हम इस टूल को यूज करके यहाँ से हम F7 के माध्यम से ये ले लेते हैं। अब इसी के हम डुप्लीकेट तीन बॉक्स बना लेते हैं साइज के अकॉर्डिंग, छोटी बड़ी साइज में जो है हम तीन बॉक्स मतलब ये बना लेते हैं। और यहाँ पे टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसमें जो ये ड्रॉ दे रखी है टूल बॉक्स में जाके यहाँ से इस ये वाला जो टूल है जो इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ से हम यहाँ से पॉइंट लगा के इस पॉइंट पे हम यहाँ से क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ, तो यह हमारी सीधी एक लाइन हो जाती है। अब इस लाइन को हम यहाँ से इसमें टॉप में देंगे। इस प्रकार से मैंने ये लाइन जैसे टॉप में इसमें दिया है, लेकिन बीच वाले जो गोला है उसी में से हमने ये मतलब टूल दिया है। तो इसी के आधार पर हमें दूसरा इसको एक राउंड में घुमाना है। इस तीर को हमने राउंड में कर लिया है। अब इसको हम इस साइड से हम यहाँ से सेट करेंगे। मैं यहाँ से मैं कर्सर में लेके यहाँ से इसको थोड़ा सा मतलब अपने एडजस्ट होगा उस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। ये भी इसी साइड से इस मतलब पॉइंट से हट जाएगा। मतलब जो भी हम जो आउटलाइन जो ये लाइन लगाएंगे तो ये इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। तो दोस्तों, आप अगर वीडियो पे नए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे टूल मैंने लिए हैं तो दोनों ही टूल हो गए। हम इसी प्रकार से एक टूल और लेंगे। इस टूल के माध्यम से इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा मतलब पॉइंट से यहाँ से सेट करते हैं। ये मैंने यहाँ से इस पॉइंट पे सेट कर लिया है। इसमें थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा कर्सर से। इसमें थोड़ा सा मतलब ये टचिंग होना चाहिए, मतलब इस गोले से जो आउटलाइन है गोले की और ये लाइन पूरा मतलब टचिंग होना चाहिए। हल्का सा भी इसमें गेप ना रहे, क्योंकि जब इसमें गेप रहेगा तो हम इसमें कलर वगैरह फिल करते हैं, तो इसमें ये सिर्फ चारों तरफ ही इसमें कलर फिल हो जाता है। और यहाँ से हम इसे आउट इन लाइन को हम यहाँ से छोटा कर देंगे और इधर से भी हम इस लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसको छोटा कर देंगे और यहाँ से हम इस लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से इस लाइन को ये एक्स्ट्रा है तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से इसको हटा देंगे। अब इस लाइन को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको छोटा कर देंगे। ये मैंने यहाँ से ये तो ये हमने देखा है कि ये गोलाकार आकृति का ये बना लिया। तो इसमें यहाँ से टूल बॉक्स में जाके इसमें पूरा सेलेक्टेड कर लिया है और इनको बाहर की जो आउटलाइन है इनको हमने ये हटा देंगे। पहले इसमें हमने जैसे रेड कलर फिल कर लिया है और इसमें पिंक येलो जो डीप येलो है तो हम यहाँ से इसमें येलो कलर फिल कर लेंगे और यहाँ से हमने इसमें ग्रीन कलर फिल कर लेते हैं। कलर बॉक्स में जाके यहाँ से हम कलर फिल कर लेते हैं और इस आउटलाइन के जो ऊपर वाले इनको इनको हटा देते हैं। ये हमने हटा दिया है इनको। और अभी बीच वाला जो पॉइंट है हम इसको भी इसमें कलर फिल करेंगे। तो इसमें हम इसका ब्लू कलर जो फिल करते हैं तो ये हमारा एक लोगो तैयार हो जाता है। बट हम इस लोगो में थोड़ा और भी थोड़ा यूनिक करने के लिए हम इसमें मतलब और भी कलर्स थोड़ा उभार लाने के लिए इसमें कलर को हम थोड़ा डार्क और लाइट करके इसमें उभार लाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इस पॉइंट को करते हैं और यहाँ से हम F11 के माध्यम से पॉइंट करते हैं तो यहाँ से ये आ जाता है। तो यहाँ से हम यहाँ से जाएंगे कस्टमर में आएंगे, यहाँ से 20% यहाँ से हम इस यहाँ से 20% कर देते हैं और यहाँ से हम 20% करके इसको यहाँ से ओके कर देते हैं और यहाँ से हम रेड कलर फिल कर लेते हैं इस वाली अगले वाली फिर ओके कर देते हैं। और यहाँ से हम ये गएंगे सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करके यहाँ से ओके करते हैं। इसी प्रकार हम इसमें भी F11 का यूज करते हैं। ये टूल आ जाता है इसमें जो करता है इसमें थोड़ा 20%
20% कर देते हैं। और यहाँ से हम ये मान लो पॉइंट लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम डीप येलो ले लेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे ये मैंने यहाँ से, तो ये यहाँ से इसको सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और ये यहाँ से हम इसे ओके कर देते हैं। और इसी प्रकार हम ग्रीन वाले कलर को भी हम यहाँ से सेलेक्टेड करेंगे, यहाँ से सेलेक्टेड करके और इसमें भी हम डार्क थोड़ा ब्लू ग्रीन कलर डार्क कर देते हैं, वही 20% बढ़ा देते हैं इसमें। और यहाँ से हम ये करके और यहाँ से हम इसमें जाएंगे और यहाँ से इसमें सेटिंग वाला ग्रीन कलर लेके और यहाँ से इसमें सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। तो ओके दोस्तों, इस प्रकार से ये, और इसमें ग्रीन वाला जो बीच वाला पॉइंट है इसको भी हम थोड़ा सा मतलब हाईलाइट कर देते हैं। इसमें भी मैं एक कलर लेके यहाँ से थोड़ा डार्क कर देते हैं और यहाँ से हल्का सा ये डार्क करके यहाँ से पॉइंट क्लिक करके और यहाँ से हम वही मतलब पॉइंट से जो ले लेते हैं और ऊपर जाके उन सेकंड वाला ऑप्शन है जो यहाँ से चूज़ कर देते हैं और ओके कर देते हैं। और इसी प्रकार से देखिए सर, आप जो देख रहे हैं इसमें एक लोगो की यूनिकनेस किस प्रकार से आई है, बहुत ही अच्छा लोगो बना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगे कैसा लगा है आप कृपया कमेंट में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि और इसको शेयर करें।